हेलो माइक चेक। तो तमाम कमी कर ए, कमी कर। हेलो हेलो। तो तमाम आधी मायला आवाज चांगला गप जरा हेलो हेलो। तो तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा, तमाम दर्शकों का मेरा यानी प्रवीण दुबाड़े का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। चने की खेती खत्म होने के बावजूद भी जिस तरह संदीप बोराड़े ने मुझे चने पे झाड़ पे चढ़ाया है, लेकिन ऐसा होता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाम डॉक्टर्स एसोसिएशन, एक तरफ मरीज को दवाई देने वाला और दूसरी तरफ मरीज को दवाई बेचने वाला, इन दोनों के बीच ये मैच चल रहा है। हमारे संतोष बैल मारे यहाँ पर बैठे हुए, पार्षद सोमनाथ ठोमरे साहब यहाँ पर बैठे हुए, खालापुर राष्ट्रवादी के अध्यक्ष संतोष बैल मारे यहाँ पर बैठे हुए। उनकी एक क्रिकेट रजनी मैंने की थी पूरी चार रातें, काफी अच्छा हुआ था। बैकफुट बजा के इस गेंद को हल्के हाथों से स्टीयर किया, सिंगल हासिल किया बल्लेबाज। चलिए ट्वेल्थ मैन भेजिए, बल्लेबाजी कर रही है डॉक्टर एसोसिएशन ना, और एमआर लोगों ने फील्डिंग करने का फैसला किया। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हर अस्पताल में जाना, अस्पताल में उस डॉक्टर को दवाई का महत्व बताना और अपने कंपनी के प्रोडक्ट को आगे लेकर जाना, ये एमआर लोगों का काम होता है। संतोष आप आए यहाँ पे, बाहर आई, शुक्रिया मैं आपका अदा करना चाहूंगा इस श्रृंखला के माध्यम से। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर महज कलाइम के सारे मोड़ा था, मिड विकेट शॉर्ट मिड विकेट पर इस गेंद को फील्ड किया, रन मिला एक, और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई दो रन। डॉक्टर एसोसिएशन, मरीज को जिस तरह दवा दी जाती है, जिस तरह इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसकी बुखार या फिर अट्ठावन सत्तावन स्विफ्ट मध्य लावलेली है, ती जरा बाजूला काढायचे। तुषार देखिए, तुषार दौड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार रेस जीती गेंद ने और ये मिले चार, टोटल बना हेलो। तो लगातार ये आई दूसरी बाउंड्री, ये देखिए डॉक्टर कह रहे हैं भाई एमआर आप जरूर दवाई बेचेंगे, लेकिन हम मरीज का दुख दर्द हटाने के लिए फिर से एक बार खड़े खड़े मारने की कोशिश की और खड़े खड़े रहे डॉक्टर वैभव, लेकिन क्रिकेट में खड़े रहना बिल्कुल जरूरी नहीं होता, क्योंकि डॉट गेंद डालने वाला नायक और खेलने वाला खलनायक होता है। चार ओवर के मैच में आपको महज 24 गेंदे खेलने का मौका मिलता है, टीम का कुल टोटल तो इस ओवर की समाप्ति के बाद कुल टोटल आ चुका है डॉक्टर एसोसिएशन का 10 रन। 10 रन काफी अच्छे हैं मेरे ख्याल से एमआर और डॉक्टर एसोसिएशन के बीच ये प्रदर्शन, ये मैच। भूतपूर्व विधायक आदरणीय सुरेश बाबूलाड ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज, हमारे पार्षद सोमनाथ जी ठोमरे और अमोक जी कुलकर्णी, करसत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षद सोमनाथ जी ठोमरे। हमेशा जब भी इनका मैच होता है करजत में, तो एक दिन या एक रात, दिन का मैच हो तो एक दिन या फिर रात का मैच हो तो एक रात, हमेशा मैं इनके मैच में हाजिरी लगाता हूं सोमनाथ जी ठोमरे के प्यार के कारण। है तो करजत के
पार्षद, लेकिन हमारे नजदीक उनका गांव है प्रॉपर, तो उस वजह से आना पड़ता है उनके प्यार के प्रति। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इस बॉलर का नाम बताइए हमें। 12th मैन नहीं है क्या आपके पास? राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये एक बहुत ही बढ़िया ऑन साइड के ऊपर कड़ा प्रहार, नंबर 6 16 पे पहुंचता हुआ टोटल, और ये छक्का लगाया नीलेश, डॉक्टर नीलेश, इससे कहते इंजेक्शन देना। देखिए एमआर का 12th मैन यहां पे आना जरूरी है। बॉलर का नाम हमने लिखा नहीं है स्कोर बोर्ड के ऊपर। रोशन, तो गेंदबाज रोशन के ऊपर डॉक्टर नीलेश ने किया कड़ा प्रहार। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 17 रन। संदीप बुराड़े हमारे साथ है, वॉइस ऑफ करजत, जिन्हें मैं कहता हूं करजत की कई प्रतियोगिताओं में इन्होंने अपने आवाज से चार चांद लगाया है, उनमें से एक ये प्रतियोगिता भूतपूर्व विधायक आदरणीय सुरेश बाबू लाल ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज बाय अमोक कुलकर्णी, सोमनाथ जी ठोंबरे। हाँ, करजत जो विभाग है रायगढ़ क्रिकेट कमेंट्री एसोसिएशन का, उस करजत विभाग के ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब बहुत बड़ा ओहदा मिला है इनको। फिर से एक बार अच्छी गेंद डाली गई और ये अच्छी गेंदें डालनी चाहिए क्योंकि 17 पे टोटल आ चुका है। ओवर नंबर दूसरा चल रहा है, गेंदबाज रोशन, काफी अच्छी गेंदबाजी अब करनी होगी। छक्का एक गिरा, उसे भूल जाना चाहिए, आने वाली गेंदें अगर अच्छी करते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से तो यकीनन ये रन आपको। और इस गेंद को निकाला है डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री के बाहर 4 रन। देखिए 4 से टोटल आ चुका है 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हमारे साथी स्कोरर विवेक, टेनिस क्रिकेट .in की पूरी टीम यहां पे काम कर रही है। संदेश कंटे हमारे एक जमाने के स्कोरर आज टेक्नीशियन बन चुके हैं टेनिस क्रिकेट .in के। कई कैमरामैन अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी मैं जरूर स्वागत करना चाहूंगा। 4-4 ओवर का ये मैच, ठोंबरे साहब हमारे मौजूद है, सोमनाथ जी ठोंबरे, पार्षद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करजत, कॉरपोरेटर है ये करजत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। एक बात तो तय है कि यहाँ पे अच्छा खेलना होगा और वो डॉक्टर एसोसिएशन अच्छा खेल रही है क्योंकि रन काफी बन चुके हैं। एक अच्छा बेनिफिट मैच यहाँ पर जो लोगों को नई जिंदगी देती है, उनके लिए भी उनके परिश्रम में एक खेल का हिस्सा होना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ इस मैच को रखा जा चुका है MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाम डॉक्टर एसोसिएशन। ये देखिए ऊंचा खेला गेंद हवा में, क्या छोड़ने की संभावना, लेकिन फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। एक और नंबर 6 बल्लेबाज डॉक्टर नीलेश, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा डॉक्टर नीलेश साळुंके प्रैक्टिस में होंगे, वरना इतने अच्छे छक्के वो लगा नहीं पा सकते थे। प्रैक्टिस में जरूर होंगे, ये जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बचपन से ये डॉक्टर की पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट की पढ़ाई भी इन्होंने अच्छी तरीके से की है। फिर से एक बार वही खेलने की कोशिश, और ये देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज योर बेस्ट पॉलिसी फॉर योर लाइफ, ईमानदारी आपके जीवन की, इस जीवन का सबसे बड़ा मंत्र होता है। तो अतुल बिंगड़े, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है, एक विराई के भक्त घोड़ीवली के हमारे, उनकी तरफ से इस ट्रॉफी को शुभकामनाएं आ चुकी है। टीम का कुल टोटल बन चुका है 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर
आ चुका है। देखिए आज मुंबई बनाम सीएसके 155 पे 7-20 ओवर में बने थे मुंबई इंडियंस के चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। हालांकि वो T20 क्रिकेट है, यहाँ पे मुंबई जीत के लिए संघर्ष कर रही है, शायद आज उनके जीत का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे किसका सपना पूरा होगा जीत का, MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फिर डॉक्टर एसोसिएशन? क्या खेल रहे थे नीलेश साळुंखे डॉक्टर, इस सर का कोई जवाब नहीं था, रनों का अंबार खड़ा किया था, टीम का टोटल 28 ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और ये उंगली उठी अंपायर की ओर, इस उंगली के साथ एक और विकेट का पतन, MR को मिले एक और सफल दौर, उस सफलता के कारण रुका हुआ टोटल वहीं पे 28 DJ। वैभव गायकवाड़ अब आउट होके वापस आ चुके हैं डॉक्टर। देखिए मॉनिटर पर हमारी कमेंट्री चल रही है, हमें तो सुनाई दे रही है, लेकिन मैदान के अंदर जो लोग सुनना चाहते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल खराबी आ चुकी है। जल्द से जल्द हमारे DJ ऑपरेटर उस टेक्निकल खराबी को दूर करेंगे, लेकिन फिलहाल टोटल आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 28-28। डॉक्टर संदीप माने 100 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं, इसका मतलब यह है कि ये डॉक्टर जो है संदीप माने गरीबों के लिए अच्छा काम करते होंगे, क्योंकि 100 नंबर की जर्सी यानी कि कोई भी इलाज हो, कोई गरीब आए तो 100 ही रुपए लेंगे उनसे। सेंचुरी लगाएंगे बोराडे साहब ये आपके सपने में, क्योंकि 4 ओवर में से तीसरा ओवर शुरू है और गेंदें भी उतनी नहीं बची है जितनी गेंदों के ऊपर 6 लगा के ये सेंचुरी मार सकती है। ये देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी डॉक्टर संदीप सर ने, एक और डॉट गेंद और उस डॉट गेंद के कारण टोटल वहीं पे रुका हुआ। ये देखिए हमारे गोरक्षनाथ पवार जिनके एक लाइन काफी फेमस है, अगर मैच अगर क्लोज हो, एक गेंद 2 रन हो या फिर दो गेंदे 2 रन हो, आखिरी क्षण में वो हमेशा मराठी में कहते हैं कि फासिया फासफूस फासफूस फासफूस, उनके तरफ से यहाँ पे शुभकामनाएं आ चुकी है, उनके भी शुभकामनाओं का हम स्वीकार करते हैं करसत की इस प्रतियोगिता में ऑर्गेनाइज अमोग कुलकर्णी और सोमराजी ठोमरे पार्षद। लेकिन यह ऑन साइड पे खेला है, कड़ा प्रहार है, गेंद ट्रैवल हो रही है, नंबर कितने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे DJ के कारण हमें नजर नहीं आया, लेकिन यह खिलाड़ी आउट हो चुका है। वाइड श्लोगन के ऊपर एक आसान सा कैच, रुपेश क्षीरसागर ने एक और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने इस कैच को लपका क्योंकि मेरे सामने उनका कैच लपकना जरूरी था, वरना एक ही ऑफिस में हम काम करते हैं, उनको ज्यादा परेशानी होती अगर कैच छोड़ते तो। संदीप बोराडे इस टूर्नामेंट में मेरा आना या ना आना ये बिल्कुल तय नहीं था, लेकिन हमारे जो रुपेश क्षीरसागर हमारे अजीज दोस्त है उनकी वजह से आना पड़ा। और आप तो कमेंटेटर है भाई, आपको अच्छा है, जितना आपके नीचे कमेंटेटर आए वो अच्छा है। देखिए कई मौके अब कमेंट्री के मई के महीने में हरीश पंड्या के साथ हम रूबरू रहेंगे, गुजरात में हम गए थे लेदर के लिए, इस साल RPL की वजह से काफी नाम और शोहरत हासिल करने का मौका मिला मंगेश जी वाकड़ीकर इनकी दुआ से, और पिछले साल अनिल जी पाटिल इनकी वजह से। लेकिन ये ट्रॉफी भी काफी खूबसूरत है, जिस तरह ये ग्राउंड रोल किया हुआ है, जिस तरह आउटफील्ड तेज है, ऑर्गेनाइजर्स ने काफी मेहनत की है, कुलकर्णी और ठोमरे साहब ने, हाँ 2 महीने का मेहनत है। आप पास ही के गांव में रहते तो आपको पता होगा, ज्यादा से ज्यादा 4-5 किलोमीटर
2 किलोमीटर आपके गांव का और इस ग्राउंड का अंतर है, तो आए दिन आप देखते रहे होंगे कि कितनी मेहनत कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर सोमनाथ ठोमरे साहब, जो पार्षद है, जो हमेशा एक उनकी चाहत रहती है कि हम उनकी मैच में जरूर बोले, उनके टूर्नामेंट में हमेशा, चाहे कितने भी साल क्यों ना हो, पुरानी दोस्ती है हमारी। टोटल 30 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद प्रतुल मात्रे अब आ चुके हैं एमआर की तरफ से। 30 रन उतने ज्यादा नहीं है डॉक्टर एसोसिएशन को, शुरुआत के 2 ओवर में आए थे 28, फिर आए 2 तीसरे ओवर में। तीसरे ओवर के गेंदबाज ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 रन देके 2 विकेट निकाले। देखिए उसी बॉलर का नाम हमें पता नहीं जिसकी हमें तारीफ करनी है। हाँ ये तो सही है, लेकिन इनके साथ साथ असं म्हणतात ना मराठी मध्ये, गाव करील ते राव काय करील, आणि खऱ्या अर्थाने जरी अमोघ आणि ठोंबरे साहेबांनी मेहनत घेतली असली तरी त्याला संपूर्ण गावाची साथ भिसेगावची मिळाली आहे। आणि गावातील ग्रामस्थांचं खऱ्या अर्थाने कौतुक करायला हवं। इथे मात्र चेंडू येतोय निर्धाव, तो डॉट गेंद की यहां पे समाप्ति हुई, रुकावट टोटल वहीं पे 30 आखिरी 5 गेंदे शेष ऑन साइड के ऊपर। इस गेंद को खेलना चाहा लेकिन रन मिलेंगे खराब फील्डिंग के कारण, 4 डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। चार रन यहां पे स्कोर कार्ड के ऊपर, टोटल आ चुका है 34। काफी बढ़िया स्कोरिंग हो रही है कर्जत में। पहले स्कोरर मुझे याद है पंकज शाह, जो काफी अच्छी स्कोरिंग करते थे। उसके बाद एक और तरे, कुछ नितेश तरे और निकेश राउत, और उनके साथ साथ ये चौथे स्कोरर है विवेक ठाणगे, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। जिन ये 3 स्कोरर के साथ मैंने काम किया था, ये मेरे लिए नए हैं, लेकिन फिलहाल इनकी स्कोरिंग को देखते हुए मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि बंदा आगे जाएगा जिस अंदाज से वो स्कोरिंग कर रहे हैं। टोटल 38। पाली में जो टूर्नामेंट हुई थी हाल ही में, मिलिंद शेड़के युवा मंच बहिरमपाड़ा ऑर्गेनाइज जो टूर्नामेंट हुई थी, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। बुराडे वहां पे उद्घाटन समारोह में 1,25,000 रुपए के फटाकों की आतिशबाजी हुई थी। नहीं नहीं, हर एक को पैसा अच्छा मिला, अंपायर्स को मिले, कमेंटेटर्स को अच्छे पैसे मिले, ऐसा नहीं है। मिलिंद बहुशेड़के के युवा मंच में जितने भी लोगों ने काम किया वो तमाम लोग खुश थे, और इस टूर्नामेंट में भी ठोमरे साहब हमें नाराज नहीं करेंगे, जाते वक्त वो हमें खुश जरूर करेंगे, क्योंकि पुराना याराना है। टीम का टोटल 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर ये अच्छी फील्डिंग हुई, 1 रन जरूर मिला, 45 पे आता हुआ टोटल। ये उंगली उठ चुकी है और 45 के साथ साथ अगर 4 ओवर यहां से खत्म होते हैं तो 46 रनों को बनाना होगा, और इस प्रतियोगिता का नियम है कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है। डीजे ऑपरेटर, जो टेक्निकल खराबी उनके डीजे में आ चुकी है, पूरी मेहनत कर रहे हैं उसे दुरुस्त करने के लिए, और हेड्स ऑफ मैं तो कहूंगा डीजे के लिए, हेड्स ऑफ मैं कहूंगा, क्योंकि जिस अंदाज से वो मेहनत कर रहे हैं दो लड़के, एक साउंड की तरफ जा चुका है, दूसरा टेक्निकल खराबी को दुरुस्त कर रहा है, और एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं कि क्या अब ये शुरू होगा कि नहीं होगा। हम लोग आए थे संदीप बोराडे के घर में थे, हम 7 बजे आए थे शाम के। चलिए अब होगा, 5 मिनट के अंदर डीजे का प्रॉब्लम यहां पे दूर होगा। टेनिस क्रिकेट डॉट इन
के जरिए लाइव हम इस मैच को दिखा रहे हैं पूरे टेनिस विश्व में, जहां जहां जिस देश में यूट्यूब चलती है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां पे यूट्यूब के ऊपर बैन भी है, लेकिन हमें फख्र की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांव के खिलाड़ियों को ये जो माध्यम बन चुका है, पहली वेबसाइट है ये। तो टोटल यहाँ पे 45 आ चुका है, कमेंट्री जा रही है ना सामने सामने जा रही क्या? नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा बोलने का काम है वो मैं करके रहूंगा, लेकिन लोगों को जो सुनाई देना चाहिए वो सुनने में आना चाहिए। तुषार जानते हैं, तुषार जब खेलते थे ओपन करते थे वेड़गांव की तरफ से, तब से मैं बोल रहा हूं बोराड़े साहब, आपका जन्म जरूर हुआ था लेकिन तुषार को पता है। हाँ ये देखिए फॉरेन रिटर्न अंपायर है हमारे, दोनों ही अंपायर काफी अच्छी अंपायरिंग हो रही है। और हमारे दीपक पाटिल सर का पैनल भी यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ साथ दो अंपायर भी मौजूद है, अभय पटोले और अजीम सर। देखिए अजीम सर यहाँ पर आ चुके हैं, मुन्ना पठान भी यहाँ पे थे। अजीम सर आपको रोजा मुबारक मैं देना चाहूंगा, क्योंकि रोजे चल रहे हैं, 3 या 2 तारीख को शायद ईद है। यस थैंक यू थोड़स प्रवीण सर, तुम्हाला तांबेल या ठिकाणी या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी कर्जत तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी युवक अध्यक्ष आदरणीय सागरजी शेलके यांच्या ठिकाणी आगमन झालंय। विनंती असेल सागरजी शेलके आपण या मंचावरती स्थानापन्न व्हायचे, त्याचपर्यंत आपण पाहतोय या ठिकाणी पवन शेलार यांचं सुद्धा आगमन झालंय। या दोन्ही मान्यवरांना विनंती की आपण मंचावरती स्थानापन्न व्हायचे, स्पर्धेच्या माध्यमातून आपला या ठिकाणी सहर्ष स्वागत आहे। हॅलो तो देखिए मैच पहली गेंद के ऊपर आए थे 2 रन ना, दूसरी गेंद के ऊपर आया सिंगल, मैच की तरफ से हमारी नजरें हट चुकी थी, क्योंकि हमारे मेहमान करसत तालुका राष्ट्रवादी युवक अध्यक्ष शेलके साहब यहां पर मौजूद हैं, उनके आवभगत में ये अंपायर का नो बॉल, क्या इशारा किया आपने? पहला बॉल नो था, यानी कि 2+1।
दरम्यान नक्की स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आपण पाहतो असाल ग्राम पंचायतीचे विद्यमान सदस्य आदरणीय रुपेजी कुंडे यांचं आगमन झालं. यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण मंचावर येऊन स्थान पण राहायचं. स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत रुपेजी कुंडे. आणि खऱ्या अर्थाने पाहायला गेलं तर हरिभक्त पारायणाने क्रिकेटच्या जगतात फार मोठं नाव आपल्याला पाहायला मिळतंय. आताच थोड्याच दिवसांपूर्वी रायगड भूषण पुरस्काराने सन्मानित झालेले दीपक दादा राणे यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालं. सुद्धा विनंती की आपण मंचावरती स्थान पण राहायचं आहे. आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत. शुक्रिया संदीप, क्योंकि जिस अंदाज से आपने दीपक राणे के बारे में बात की, ये रायगढ़ भूषण ये पहले भी थे, आज भी थे और कल भी रहेंगे. जिस अंदाज से उन्होंने क्रिकेट खेला है शिरडोन के मैदान के ऊपर, इनकी जो पारियां मैंने देखी है, शिरडोन के लोग आज भी नहीं भूले उन पारियों को. क्योंकि आरपीएल होने के बावजूद भी कई लोगों ने मुझसे दीपक राणे के बारे में बात की थी कि आजकल ये क्या कर रहे हैं, इतना अच्छा बाएं हाथ का बल्लेबाज ये खेल रहा था कर्जत क्रिकेट के लिए. टीम का कुल टोटल 46 का पीछा करते हुए 8 रन. ठाणगे साहब भी काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं. संदेश कंटे और पूरी टीम tenniscricket.in के लिए अच्छा काम कर रही है और हमारे डीजे ऑपरेटर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला बल्लेबाज अमित ने, लेकिन एक ही रन मिलेगा. यहाँ पे रूम बनाया था स्ट्रोक के लिए. 46 रनों का पीछा करना है. धीरे धीरे हमारी आवाज़ भी बढ़ेगी. ये बेनिफिट मैच है इसीलिए हम थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं. और ये देखिए सीधे बल्ले से खेला मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन. और ये 4 रन जरूरी थे क्योंकि 4 ओवर में अगर आपको 46 चेस करने हैं तो पहले मैंडेटरी पावर प्ले में आपकी कम से कम 10 12 15 रनों की शुरुआत होनी जरूरी है. मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रवीण नाम का जादू मैदान के अंदर नजर आता हुआ. हेलो, हेलो, हेलो. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला. क्या गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. और ये फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई अंपायर का इशारा 4 रनों का. अब बिल्कुल हेलो चेक. हेलो नेक्स्ट मैच कडे जाऊया. किरण इलेवन अंतराट विपक्ष बुतीली दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण टॉस साठी आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्सला जॉईन व्हायचे. दोन्ही संघाचे कॅप्टन चला आपण एक ओवर में केस. इसे कहते हैं हीट का जवाब पत्थर से देना. 21 लॉस ऑफ 0. 46 का पीछा करते हुए 25 की जरूरत है अब आने वाली 18 गेंदों में. 18 गेंदे 25 रनों की जरूरत. मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वालों ने यह दिखाया अगर हम दवाई ही नहीं बेचेंगे तो डॉक्टर दवाई देंगे किसे. और ये होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वार पे पलटवार. 25 चाहिए अब 18 गेंदों में. चला अंतरड संघाचा कॅप्टन या आपण आपला प्रतिस्पर्धी संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहे. अंतरड संघाचे कॅप्टन 18 गेंदे और 25 रन. मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के दोनों रन बाउंड कोरे ने. गेंदबाज डॉक्टर राइट आर्म ओवर द विकेट. ये गेंद हल्के हाथों से इस गेंद को निकाला बल्लेबाज ने शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से. डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद ट्रैवल हो रही है. जैसी सिचुएशन वैसा
खेल संदीप बोराडे, क्योंकि राष्ट्रवादी की यह प्रतियोगिता है और राष्ट्रवादी का सिंबल है घड़ी। घड़ी हमें समय बताती है दोस्तों, समय के साथ चलो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पर एमआर खेलते हुए समय क्या कहता है कि अब डबल सिंगल से इस मैच को जीता जा सकता है। 18 गेंदे 25 का जो कैलकुलेशन था, जो 7 का फासला था, वो इन डबल से पूरा किया जा सकता है। बीच में एक आध बाउंड्री, एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 24। दरम्यान अपन पाहतो या स्पर्धेला सदीच्या भेट देण्यासाठी आदरणीय संतोजी विचारे सरांचं आगमन झालं आहे। विनंती की आपण मंचावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे, आपलं सुद्धा स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत। ओवर टू प्रवीण सर। निश्चित तौर पर कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं, उन सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा, सभी मेहमानों का। 40 का पीछा करते हुए एमआर खेल रही है 24। त्याच समय त्या ठिकाणी आदरणीय महेश भोईर यांचं सुद्धा, महेश भोसले यांचं सुद्धा आगमन झालंय, यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत। तो राइट आर्म राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद, हवा में कैच होने की संभावना। और ये क्या किया एक माशूका से, जब अपना आशिक पूछता है धोखा देने पाए। वाई दिस कोलावरी, उसी तरह ये पूछा होगा गेंदबाज ने, वाई दिस कोलावरी, आपने मेरा विश्वासघात क्यों किया, ये कैच लेना चाहिए था। कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है। कल जो हमारे गुरु टीके वाले आते आएंगे तो वो हमेशा कहते हैं पकड़ा झेला नहीं जिनका क्रिकेट से खेल, तो कैचेस लेना जरूरी है। ये देखिए ये गेंद, मैं तो कहूंगा बल्लेबाज के पास एक न्योता था चार लगाने का फाइनल एक बाउंड्री पर, क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेग स्टंप की दिशा थी। विचारे साहब यहां पर आ चुके हैं संतोष जी, उनका भी मैं जरूर स्वागत करना चाहूंगा इस मंच पर। और इस गेंद को निकाला, डॉट 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 गेंदों की जरूरत है अब डॉक्टर एसोसिएशन को, विकेट निकालने के बजाय जितनी ज्यादा बिंदी गेंदे डालने का गेंदबाज को मौका मिले। इकोनॉमिकल यानी कि औसतन गेंदबाजी जितनी अच्छी हो उतना अच्छा होगा डॉक्टर एसोसिएशन को अंतिम ओवर्स में बल्लेबाजों के ऊपर दबाव डालने के लिए। दरम्यान शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी बुराड़े, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, गेंद हवा में फिर से एक बार छोड़ा कैच। डॉक्टर एसोसिएशन की बल्लेबाजी तो काफी अच्छी हुई, लेकिन क्रिकेट जीतने के लिए आपको तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा होना चाहिए, आपकी फील्डिंग, आपकी गेंदबाजी और आपकी बल्लेबाजी। एक डिपार्टमेंट खराब नजर आ रहा है डॉक्टर एसोसिएशन का और वो है फील्डिंग डिपार्टमेंट। दरम्यान स्पर्धेला सदीच्या भेट देण्यासाठी आदरणीय योगेश कुमार आणि त्याच समेत ज्ञानेश्वर बागडे पत्रकार बंधू यांचं आगमन झालं, यांना विनंती की आपण मंचावरती स्थानापन व्हायचं, आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत। निश्चित तौर पर सभी मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। कुल टोटल 46 का पीछा करते हुए दो ओवर की समाप्ति के बाद 28 अब 12 गेंदे 18 रन होगी जरूरत, 12 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। एक आसान सा मैच है, अगले मैच का टॉस हुआ गया, अंतरट संघ आपल्याला लास्ट कॉल है, अपन टॉस साठी प्लीज अंतरट संघ लास्ट कॉल देतो अपना टॉस। अरे टॉस ला या बाबा, बघा एक रोकठोक समालोचक कसा असतो बोराडेंकडे पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं, खरं तर भाषा शैली रोकठोक आहे त्यांची, जे काही आहे ते पोटात नाही तर ओठात, आणि त्यामुळे आमचे चांगले मित्र आहेत ते, स्ट्रेट फॉरवर्ड असल्यामुळे। बारह गेंदे 18 रनों की जरूरत, एक अच्छा ओवर, अगर 19 नंबर की जर्सी पहने हुए डॉक्टर साहब करते हैं तो आखिरी ओवर में मजा आएगा डॉक्टर संजीव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो दोनों बल्लेबाज रुके हुए हैं, उन्होंने अपना विकेट नहीं खोया, शुरुआत भी अच्छी की है। अमित भिसेकर ने प्रत्येक चेंडू वरती जर षटकार टोकला तर निलेश बडेकर यांच्याकडून 200 रुपयांचा कैश प्राइज दिले जाईल। 200 रुपए का कैश प्राइज यहाँ पर निलेश
बड़ेकर इनकी तरफ से, और ये शायद एसटी कंडक्टर थे, मुझे याद है, बहुत बार हम मिल चुके हैं। सर नकित प्रवीण सर तांबेल, मैं विनंती करेल अस्सल ग्राम पंचायती विद्यमान सदस्य आदरणीय रूपीजी कोंडे सर ने अपने शुभ हस्ते नाणेफेकी कौल कराए नाणेफेक के लिए जी अपन पहत है। एकीक है जयहनुमान क्रिकेट संघ आंतरटनेड, तो दुसरी कड़े जयहनुमान क्रिकेट संघ भूतिवले, दोगे सिंबॉल एक है परंतु आता फक्त गाव वेगली है। जाऊ टॉस कड़े कॉल केला जातो आहे, पाहूया कॉल आहे अंतरटनीड, तो टोटल यहां पे बताना जरूरी है 32। या ठिकाणी नाणेफेक जिंकले ती मात्र अंतरटनीड संघाने डिसिजन बॉलिंग, चला वेल नाही आहे करणार, कॉमेंट्री महत्वाची आमच्यासाठी। जाऊया मैदानामध्ये, ओवर टू प्रवीण सर। देखिए टोटल आ चुका है अब 32 पे रुका हुआ है, स्टॉट गेंद के कारण 14 रनों की जरूरत है। डॉक्टर सब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं वेंटिलेटर पर, जिस तरह मरीज होता है और कई लोगों ने जब उम्मीद छोड़ी होती है कि वेंटिलेटर पर जो मरीज है उसे दोबारा जीवन दान देना है, उसी तरह डॉक्टर उसे पूरा प्रयास करके जीवन दान देते हैं। यहाँ पे वैसा ही कुछ नजर आ रहा है इस मैच में। ये जो 19 नंबर की जर्सी पहने हुए डॉक्टर हैं, जो गेंदबाजी कर रहे हैं संजीव, वो अपनी टीम जो वेंटिलेटर पर थी उसे दोबारा आईसीयू से जनरल वार्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित भिसेकर इनका प्रत्येक षटकाराला आता कैश प्राइज वाढले 300 रुपये प्रत्येक षटकार साठी निलेश बडेकर, आणि खास करून आता डॉक्टर संजीव पाटील यांच्याकडे पाहूया, कारण इथे जर संजीव पाटील यांनी त्रिपला चित केला क्लीन बॉल्ड तर मात्र सागरभाऊ शेलके यांच्याकडून 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज, क्या बात है। देखिए डॉक्टर्स भी अगर क्लीन बोल्ड करते हैं, मुझे आज भी याद है 1987 में जब चेतन शर्मा ने विकेट हैट्रिक ली थी, तो पहले ऑफ स्टंप, दूसरा मिडल स्टंप और तीसरा विकेट उन्होंने लेग स्टंप उखाड़ा था बल्लेबाज का, तीनों स्टंप उड़ाए थे, आज भी मुझे याद है। रिलायंस विश्व कप के नाम से वो टूर्नामेंट जानी जाती थी। क्या गेंदबाजी हो रही है, तारीफ काबिल डॉक्टर संजीव की। यहां से वापस आती हुई डॉक्टर एसोसिएशन, क्योंकि वो बता रहे हैं इनको कि जब तक हम मरीज को दवा ना दे एमआर को दवाई बेचने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है डॉक्टर संजीव की, तारीफ काबिल। इस ओवर की अब समाप्ति हो चुकी है, जरा डॉक्टर संजीव के लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसा लगा मुझे मैच तीसरे ओवर में खत्म होगा, जिस अंदाज से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के दोनों ही बल्लेबाज, दोनों ही रणबांकुरे बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम का कुल टोटल 33 जीत के लिए अभी भी 13 रनों की जरूरत आने वाली 6 गेंदों में, आने वाली 6 गेंदों में अब 13 रनों की जरूरत। एक कांटे भरा मुकाबला, बुराडे ने जब उससे बात की ये मैच आपको पूरा करना है, तो ये मैच यकीनन जरूर हम पूरा करेंगे, लेकिन मैच में जीतेगा कौन, क्योंकि संदीप बुराडे और मैं दोनों ही जानता हूं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है, एक ऐसा नशा है कि अगली गेंद पर क्या, अगली गेंद पर क्या, इस चक्कर में हम टेस्ट क्रिकेट के पूरे 90 ओवर एक दिन के देखते हैं। 100 ओवर का जो वनडे होता है 50-50 ओवर, 100 ओवर तक हम आखिरी गेंद तक क्या होगा, अगली गेंद पे क्या होगा, इस सवाल के तहत देखते हैं। और T20 क्रिकेट भी हम वैसे ही देखते हैं, उसी तरह ये इस 4 ओवर के क्रिकेट में एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इस चक्कर में इस मैच को हम जरूर देखेंगे। लेकिन जिस तरह डॉक्टर संजीव ने एक नींव रखी है आखिरी ओवर तक इस मैच को लेकर आए हैं, क्या उसी तरह एक और डॉक्टर निलेश, जिन्होंने बल्लेबाजी भी काफी अच्छी की थी शुरुआती ओवर में, ऑलराउंडर, इट्स अ जेन्युइन ऑलराउंडर, 6 गेंदे 13 रन, स्ट्राइकर इन पे इस वक्त मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से अमित, और बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रवीण।
देखिए दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला तो जरूर है, लेकिन 13 रन, क्या तेरा क्या मेरा, लेकिन जीत का सहारा किस टीम को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रुपेश इस मैच को काफी क्लोज देख रहे, काफी बेहतरीन उन्होंने कैच लपका था, लेकिन अब उनके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी मैं देख रहा हूँ। एमआर टीम के लिए कड़ी चुनौती पेश की थी डॉक्टर संजीव के तीसरे ओवर ने, 5 ही रन दिए थे उस ओवर में डॉक्टर संजीव ने, क्योंकि 12 गेंदे और 18 की जरूरत थी, ऐसे में 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। डॉक्टर नीलेश राइट आर्म ओवर द विकेट, क्लीन बोल्ड, और यह पहला छटका एमआर को दीजिए। वेड़गांव से अपने ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत करने वाला, कई ओपन टूर्नामेंट खेलने का तजुर्बा, लेकिन अब 5 गेंदे 13 रन, 40 के ऊपर अब हो चुके होंगे, क्योंकि 40 प्लस टीम में मैंने उनको खेलते हुए देखा है, क्योंकि मैं खुद 40 के ऊपर हूं तो मैं इनका खेल मेरे बचपन में देखा करता था। ये बहुत पुराने खिलाड़ी है, रन की जरूरत है कंपलसरी, चेसिंग, गेंदे बची है 4, और इस गेंद के ऊपर अगर छक्का आता है तुषार को 500 का इनाम है। और ये देखिए एक और नंबर 6 प्रतुल इनकी तरफ से, ये 500 तुषार को जरूर मिलेंगे, लेकिन अब सिंगल की जरूरत है बची हुई 3 गेंदों में, इसे कहते हैं गेम चेंजर, और इस मैच के गेम चेंजर बने तुषार। गेम चेंजर बने तुषार, तारीफ काबिल बल्लेबाजी हुई है, 3 गेंदे अब 1 रन। डॉक्टर्स ऐसा लगा था जो संजीव डॉक्टर ने मेहनत की थी वो मेहनत नीलेश से हमें नजर नहीं आई, जो पहली गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड का विकेट मिला वहीं से उनकी गाड़ी, और ये उनका मन ये कह रहा था कि मैं क्लीन बोल्ड ही करूं, उस वजह से उन्होंने मार खाया। लाइन अगर बदली होती, आउटसाइड ऑफ स्टंप रखी होती, इन्होंने पहली गेंद के ऊपर जैसे ही क्लीन बोल्ड किया उससे उन्हें अंदाजा लग चुका था कि मैं बोल्ड ही निकालूंगा, और बोल्ड निकालने के चक्कर में, हालांकि ये तो बेनिफिट मैच था, लेकिन टेनिस क्रिकेट के कई गेंदबाज जानते हैं बोल्ड निकालने के चक्कर में कई गेंदबाज बोल्ड हो चुके हैं टेनिस से बाहर।